हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नबी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास नाइन साइंस की बुक का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के नोट्स देखने वाले हैं इससे पहले हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है आप देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ग्रेविटी होता है ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है है ना तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तो वर्क इज डन ऑन द मास एम इट इज़ बीग रेस्ड अगेंस्ट ग्रेविटी देन इट्स एनर्जी इनक्रीज स एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीई तो वर्क इज डन ऑन द मास यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ भार होता है तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं वाइल इट इज बींग रेस्ड जब आप उसको ऊपर कोई आपने बॉक्स उठाया है सपोज करो ऊपर की तरफ तो आप लोगों ने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है, है ना ग्रेविटी का क्या मन मन करता है कि सब चीज उससे जमीन से चिपकी रहे बट आप तो बॉक्स को ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो इट इज़ बींग रेज जब आपने आ, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया है इट इज बिंग रेज्ड अगेंस्ट ग्रेविटी देन इट्स एनर्जी इक्रीजेस तो उसकी जो एनर्जी है ना उस ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी उसकी बढ़ जाती है तो यही होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो ये आदमी ने ऐसे करके इस बॉक्स को ऊपर की तरफ उठाया तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट तो ग्रविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है कि भाई कितना काम किया है उस बक्से को उठाने के लिए फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट

एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर इसकी जीपीई कितनी होगी कि, कि भाई जमीन से उठाने तक के लिए आपने कितनी इस पर एनर्जी लगा दी है अब देखिए वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू एस फोर्स इंटू क्या होता है एस होता है हमारा क्या होता है तो ठीक है तो फोर्स की जगह एफ इक्वल्स टू सॉरी एफ इजिक्वल टू एम जी ठीक है और यहाँ पर जो हाँ एस है वो हमारी हाइट के लिए हम लोगों ने इसको डिनोट किया है कि भाई कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है कितना वो ऊँचाई पर गया है तो यहाँ पर हाइट हम लोग उसको ले लेंगे देखो है ना क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है वर्क हुआ है और कितनी हाइट तक गया है तो ये हम लोग ले लेंगे इसमें ठीक है तो एम जी फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एच तो डब्ल्यू इज इक्ल्स टू एम जी एच तो जब ग्रेविटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है तो उसका फॉर्मूला बनता है हमारा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी एच सेंस वर्क डन इज एम जी एच एंड एनर्जी इक्वल टू एम जी एच इज गेंड बाई द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आता है मास इन टू ग्रेविटी इन टू हाइट ठीक है तो एम जी एच हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है कि भाई इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट उठाया ठीक है इस ऑब्जेक्ट को हमने उठा दिया इस ऑब्जेक्ट को उठाने के यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ मास इसका होगा ऊपर उठाने के लिए भाई कितनी एनर्जी लगी है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच एच होती है हाइट मास और कितनी ग्रेविटी है तो एम जी एच नेक्स्ट देखिए द वर्क इज डन बाय द मैन अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू विच द एनर्जी गेट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि भाई इस आदमी ने कोई ऑब्जेक्ट उठाया है तो इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है क्योंकि ग्रेविटी का तो मन था कि ये नीचे ही रहे बट इसने क्या किया ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा लिया तो कुछ एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है मैन हैज टू डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क टू रेज इट टू अ ग्रेटर हाइट दिस स्टोर एनर्जी इज ऑल्सो लार्ज तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट को हाइट ऊपर तक ले जाएंगे उतनी ज़्यादा जितनी ज्यादा आप लोगों को एनर्जी लगानी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए मतलब जितना ऊंचाई पर वो ऑब्जेक्ट जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ग्रेटर द हाइट लार्जर विल बी वर्क टू गेट मोर जीपी तो ग्रेटर हाइट होगी ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको ज्यादा जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी तो ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी ऑब्जेक्ट में वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव यानी कि जो ग्रेविटी वर्क करती है वो डिपेंड करती है कि भाई इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर कितना डिफरेंस है ये नहीं कि चाहे ऐसे गई हो ऐसे गई हो या फिर ऐसे ऐसे गई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करती है कि भाई वर्टिकल हाइट मतलब ग्राउंड से लेकर के कितनी ऊंचाई पर है इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पर ना कि उसके पाथ पर कि उसने कैसा रास्ता ट्रैवल किया है चाहे वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाए चाहे वो स्ट्रेट जाए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो उसका फॉर्मूला एम जी एच ही होगा और मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाली हाइट हम इसको हमें पाथ से रस्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता आप सीधा जाए चाहे टेढ़ा जाए एम जी एच ही लगेगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच ही होगी तो वर्क डन बाई ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड नेक्स्ट अब आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी बॉडी में अगर कोई एनर्जी डेवलप हो रही है ड्यू टू चेंज इन इट्स साइज उसका साइज बदल गया उसकी वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी आती है तो उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी बॉट बाय कंप्रेसिंग स्ट्रेचिंग बेंडिंग ट्विस्टिंग मतलब आप उसको दबा दो छोटा कर दो या फिर उसको खींच दो या फिर उसको मोड़ दो या फिर उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दो मतलब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दिया है अगर आपने ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दिया है इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डाल दी है वर्क इज डन टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच गैट स्टोर इन द डिफॉर्म्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन आपने उस पर किया है तो so जो आपने काम किया है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट की शेप को बदला है तो वर्क इज बींग डन ऑन स्प्रिंग और रबर बैंड वाइल्ड स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग इट तो आप अगर अगर बैंड को खींच रहे हैं या मोड़ रहे हैं तो उस पर आप कुछ वर्क डन कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन विलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस वर्क दस गेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने उसको खींच करके छोड़ दिया उसकी पोजिशन तो नहीं बदली है जब आपने एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लेता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई आपने रबर को खींच दिया या फिर आपने स्प्रिंग को दबा दिया तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक बो में यानी कि इस तीर कमान में भी स्टोर हो जाती है जब आप इसके धागे को यहां से खींचते हो तो उसमें भी एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ड्यू टू तो चेंज इन द शेप इज दस यूज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो तो पहले जब आपने खींची तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई फिर आपने उसकी पोजिशन चेंज करवा दिया एरो की एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो भाई वो काइनेटिक एनर्जी फिर हो गई तो इसमें एक बो में जब आप उसको खींच रहे हैं तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है और जब वो आगे की तरफ जा रहा है तीर उसमें से निकल के तो वो एक काइनेटिक टिक एनर्जी है क्योंकि उसकी चेंज हो रही है। आगे देखते हैं। की ऑफ द car। आपने उतने कार होती है उसकी चाबी आप घुमाते हैं द एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इन साइड इज स्टोर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो आपने उसको की को घुमाया राइट आपने की को घुमाया उसमें क्या कौन सी एनर्जी डेवलप हो गई वो हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चाबी होती है ना चाबी को घुमा देते हैं जब चाबी को घुमा देते हैं फिर उसके बाद वो गाड़ी आगे को बढ़ जाती है तो यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ही इस्तेमाल हो रहा होता है एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर एज ई पी ई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वैन जब उसको आप लोग आगे बढ़ा देते हैं फिर वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर तब्दील हो जाती है तो पहले वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने चाबी घुमाई फिर उसकी जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो अब इस केस में वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रही है आप लोगों ने घुमाया उसको फिर वो पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें थी अब उसकी वजह से आपने चाबी घुमाई तो वो कार आके पढ़ गई ट्राईकाई ड्रिवन वाइंडिंग की अब हम लोगों ने देखा कि कई सारे टाइप की कई सारे फॉर्म्स की एनर्जी होती हैं अब होता है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब आप किस तरीके से एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी रिमेन्स कंजर्वड इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है आप कभी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जैसे कि आपने देखा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है तो अपनी स्टेट को चेंज करती है एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है खत्म भी नहीं होती है तो देखो, टोटल ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो सारा का सारा जो सम टोटल है ना एडिशन एनर्जी का वो हमेशा सेम रहेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही एनर्जी बस चेंज होती जाती है यह है ठीक है तो ये वाली चीज तो हम लोग जब हमने चैप्टर करा था तो अच्छे से करा था कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है वो ना ही कभी क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय एनर्जी होती है पावर का कॉन्सेप्ट क्या है पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी किस रेट से किस गति से ट्रांसफर हो रही है या फिर आप किस स्पीड से या किस एनर्जी से आप काम कर रहे हैं वो होती है पावर पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन पावर से हमें पता लगता है कि भाई कोई काम कितना फास्ट हो रहा है कितना स्लो हो रहा है ये हमें पता लगता है पावर से पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम वेरी इंपॉर्टेंट इसके निमेरिकल्स आते हैं पावर इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम और यूनिट क्या होती है पावर की पावर की यूनिट होती है वॉट ये भी आप लोगों को याद रखना है वर्क या फिर वर्क डन कितना काम हुआ है और वर्क डन अपॉन टाइम होता है वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड वर्क की यूनिट जूल टाइम की सेकेंड तो पूरी पावर जो है पावर की यूनिट जो है पावर की यूनिट होती है वॉट आप लोगों को यूनिट्स भी याद रखनी चाहिए एमसी के लिए ऐसा यूनिट पावर की होती है वॉट और अदर यूनिट्स ऑफ पावर की वन किलो वॉट में क्या होते हैं वन किलो वॉट में वन थाउजेंड वॉट होते हैं वन मेगा वॉट में टू थ्री पावर सिक्स वाट होते हैं वन हॉर्स पावर में सेवन फोर्टी सिक्स वाट्स होते हैं ये आपके टेंथ में भी काम आएंगे याद रख लेना इसको वन वाट क्या होता है वन वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ वन जूल पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में जितना काम होता है वो होता है वाट तो वन वाट किसी भी एजेंट की पावर होती है व्हेन इट डज वर्क एट रेट ऑफ वन जूल पर सेकेंड अगर एक जूल काम एक सेकेंड में कर लिया ना किसी ऑब्जेक्ट ने तो मतलब एक वॉट पावर उसमें इस्तेमाल हो गई है अगर एक जूल काम हुआ है एक सेकेंड में तो एक वॉट पावर लगी है एवरेज पावर क्या होती है द पावर ऑफ एन एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट एट डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइम ठीक है तो एवरेज पावर क्या हो पावर ऑफ एन एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम तो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में जो अलग 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 काम हो रहा है उसका एवरेज कर देते हैं तो एवरेज पावर आ जाती है दस एवरेज पावर इज़ यूज इज़ यूज विच इज टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टोटल टाइम तो यही है देखिए अलग अलग हम लोग अगर डिफिनीशन्स निकाल रहे हैं तो वर्क अपॉन टाइम वर्क वन वर्क टाइम वन ठीक है फिर उसके बाद दूसरा वर्क हुआ होगा वो कितने टाइम में हुआ होगा इन सबका एडिशन फिर एवरेज निकल जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर फॉर बिगर यूनिट जूल इज वेरी स्मॉल यूनिट वी यूज़ किलो वॉट आर जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किलो वॉट आर में हम लोग निकालते हैं जूल में नहीं निकालते वन किलो वॉट आर इज द एनर्जी यूज इन वन आर एट द रेट ऑफ वन थाउजेंड जूल पर सेकेंड तो वन किलो वॉट आर कितने होते हैं वन किलो वॉट और आर की जगह हम लोग वन आर ले, ले लेते हैं तो आर को जब आप सेकेंड में चेंज करेंगे तो एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं वन आर में सिक्सटी मिनट होते हैं है ना एक घंटे में सिक्सटी मिनट होते हैं और एक घंटे में सिक्सटी मिनट होते हैं और एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड होते हैं एक घंटे में सिक्सटी मिनट होते हैं और एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड होते हैं तो एक घंटे में कितने सेकेंड हुए तो एक घंटे में हुए सिक्सटी इंटू सिक्सटी यानी कि थ्री सिक्स डबल ज़ीरो सेकेंड तो एक घंटे में थ्री सिक्स डबल ज़ीरो सेकेंड हमारे हो गए तो हंड्रेड वॉट और थ्री सिक्स डबल जीरो तो थ्री लैख थर्टी सिक्स लैक जूल हमारे पास आ गया तो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटू थ्री पावर सिक्स जूल होते हैं वन किलो वॉट आर में इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं इसको अब एनर्जी यूज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शल इस्टेब्लिशमेंट आर यूज यूजुअली एक प्रेसिडेंट किलोवाट आर है ना ठीक है तो 3.6 टन्डर्डी पावर सिक्स होता है वन किलोवाट आर तो वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कमर्शियल यूनिट तो वन यूनिट हम इसको लेकर के चलते हैं 3.6 टन्डर्डी पावर सिक्स को तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा हम लोगों की हो गई ठीक है अब समरी में आप लोगों को यहाँ पर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोगों ने देख लिया पावर की डेफिनेशन फॉर्मूला देख लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखा फिर कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी उनके डेफिनेशन डेरीविएशन देख लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इससे पहले के वीडियोज़ में और हमने पॉजिटिव वर्क नेगेटिव और जीरो वर्क ये सब क्या होता है ये भी हमने देख लिया था ऐसा यूनिट्स वगैरह तो ये सारा का सारा हम लोग चैप्टर में कवर कर चुके हैं अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए